हैदराबाद में दीपावली को लेकर जगह जगह तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के चलते आज पुष्प गणना सेवा परिषद की तरफ से एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें दीपावली सम्मेलन के लिए चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता महेश हर्ष ने की। जय श्री कृष्ण। पुष्करणा सेवा परिषद की ओर से दीपावली सम्मेलन के लिए यह एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया है। उसमें कुछ मेंबर्स बने हैं कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। कार्य पुष्करणा सेवा परिषद के बैनर तले किया जाएगा और जो जो मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उनका मैं एज ए सेक्रेटरी पुष्करणा सेवा परिषद स्वागत करता हूँ। हमारे अध्यक्ष श्री महेश जी हर्ष, हमारे कोषाध्यक्ष जॉइंट कोषाध्यक्ष श्री गोपाल जी व्यास, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री मदन जी व्यास, हमारे कोषाध्यक्ष श्री बालकृष्ण जी व्यास, हमारे समाज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री माधव जी व्यास, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य श्री विजय जी आचार्य, इन सबके सानिध्य में ये हुआ है। और भी कई मेंबर्स आज आने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश वो लोग नहीं आ सके, तो बहुत खुशी की बात है, उन्होंने अपना कंसर्न दे दिया है और सबने अपने अपने हिसाब से विचार व्यक्त किए और सब लोग अपने अपने सम्मेलन के लिए जो खर्चे का जो एक प्रावधान रखा गया था उसमें सब लोग शामिल हो गए और खर्चे को हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। अब उसके बाद में दीपावली सम्मेलन 10 नवंबर को किया जाएगा। 10 नवंबर 2019 को दीपावली सम्मेलन काचीगुड़ा स्थित बालाजी रतनलाल के पास में रिलायंस स्टैंड के ऊपर बॉन्केट हॉल, उसका नाम है स्वागत बॉन्केट हॉल, दिव्या स्वागत बॉन्केट हॉल बालाजी रतनलाल के पास में रिलायंस स्टैंड के ऊपर, जिसके दो रास्ते हैं, एक कुलदीप फाइंस के बाजू से है और एक पीछे वाली गली से है, तो दोनों रास्तों से आप ऊपर चढ़ सकते हैं, लिफ्ट की फैसिलिटी है। और 10 तारीख को आप लोग सब बिना किसी नागे के समस्त परिवार ठमठोर सगरी इस सम्मेलन में आना है और सम्मेलन की शोभा बढ़ाना है। और ऐसे कार्यक्रम आगे भी और चलते रहेंगे। अब हमने कार्यक्रम की रूपरेखा को कुछ बदला है, इस रूपरेखा के हिसाब से कार्यक्रम किया जाएगा और हमने जो अभी उपलब्धि इसके लिए पाई है इसके लिए हम सब संतुष्ट हैं। और भी हमारे जो कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं लेकिन आज नहीं आ सके उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने तन मन और धन से अपना योगदान पुष्करणा सेवा परिषद को देने का अपना इच्छा जताई है, हम उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। और पुष्करणा पूरी समाज से हैदराबाद की हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब लोग अपने अपने कार्यक्रम को उस हिसाब से नियंत्रित करें, उस हिसाब से सेट करें कि 10 तारीख नवंबर को कोई भी उस कार्यक्रम से वंचित ना रहे, क्योंकि इस कार्यक्रम से ही हम सारी की सारी समाज की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे पास सरकार से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, अलग अलग दूसरे सेक्शन से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़े कार्यकर्ता दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं हमारे इसमें, तो उनका हम भरपूर फायदा लेंगे और समाज को इसका पूरा पूरा फायदा पहुंचाएंगे। बिना लाग लपेट के, बिना किसी उसके आज की सभा संपन्न हुई।